नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांश लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर के 21 प्रमुख खबरों पर। रायपुर सहित 19 जिलों में 60% से कम बारिश, 5 जिलों में सामान्य से अधिक पानी गिर गया। उदयपुर कांड पर सीएम भूपेश की दो टूक, कहा धार्मिक उन्माद में ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक और ट्विस्ट, जेपी नड्डा बोले फडणवीस बने डिप्टी सीएम। जम्मू कश्मीर कुलगाम में मुठभेड़, लश्कर के दो आतंकी ढेर। शरद पवार ने फोन कर शिंदे को दी बधाई, दीपक परेस्कर बोले बाला साहब चाहते थे कि आम आदमी संभाले महाराष्ट्र की कमान। एनआईए की टीम पहुंची उदयपुर, सिर कलम करने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में लेगी। इसरो ने लॉन्च किए सिंगापुर के 3 सैटेलाइट, हर मौसम में किसी भी वक्त तस्वीरें लेने वाला सैटेलाइट रवाना। निर्मला सीतारमण ने हॉर्स रेसिंग की जगह हॉर्स ट्रेडिंग पर जीएसटी लगाने की कह दी बात, सोशल मीडिया पर हो गई ट्रोल। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने की योजना पर चीन ने जताई आपत्ति। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ लोगों ने दिया 3400 करोड़ दान। उद्धव के इस्तीफे के बाद कंगना का तंज, बोली पाप बढ़ने पर सर्वनाश होता है, इसके बाद सृजन फिर कमल खिलता है। बिलासपुर सीएमएचओ को हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। भीमा कोरेगांव के आरोपी वरवरा राव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजीव, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। एनएसए अजीत डोभाल ने एमएएमएसजी पहली बैठक का किया उद्घाटन, कहा समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद जरूरी। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और अमित शाह का सिर कलम करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। अफगान सिखों का समूह काबुल में मारे गए व्यक्ति की अस्थियां लेकर भारत पहुंचा। किसान नेता राकेश टिकैत ने लगाया आरोप, उदयपुर घटना के पीछे बीजेपी का हाथ। नासा का दावा चांद से टकराया रहस्यमयी रॉकेट, सतह पर बने दो गड्ढे, वैज्ञानिक हैरान, नहीं पता किस देश का है हाथ। उद्योग जगत ने देश में उत्पादित कच्चे तेल के डीरेगुलेशन का किया स्वागत, कहा फैसले से बढ़ेगा उत्पादन। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से तलाक लेना चाहती अभिनेत्री चारू असोपा, कहा उन्होंने अपनी पहली शादी की बात छुपाई थी। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।